अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का अगेन हमारे पास वही टॉपिक होगा न्यूमेरिकल वाला, क्योंकि पहले हमने 6 न्यूमेरिकल किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो आज न्यूमेरिकल नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, टू मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम। अब यहां पर ये बात समझने वाली है कि 24 को मैंने M1 का है, 26 को मैंने M2 का है। अब बुक में जो पहले दिया हुआ होता है वो जरूरी नहीं है कि मैस M1 ही हो, सिचुएशन को देखना है हमने। क्यों? सिचुएशन हमें बताती है, क्या बताती है? आर अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। हाँ जी, हमने एक टेबल बनाई थी, टेबल के ऊपर एक मैस होता था हमारे पास और एक मैस साथ में नीचे हमने हैंग किया हुआ होता था। वो कहता है ये जो हमारे पास है ये 26 है जो लाइंग ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। तो इसका मतलब है ये हमारे पास होगा M1, ये हमारे पास होगा M2। 24 किलोग्राम M1 है, 26 किलोग्राम M2 है। अब उसके अंदर हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है और एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है। जैसे ही वो मूव करेंगे तो उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी और एक्सलरेशन कितना होगा। तो टेंशन का तो फार्मूला M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। M1 M2 G की वैल्यू 10, ऊपर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 हमारे पास 24 है प्लस 26, दोनों को डिवाइड करें, ऊपर मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है हमारे पास वो है 125 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास है M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G फार्मूला। M1 24 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26, 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। न्यूमेरिकल नंबर 8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, हाउ मच टाइम T हमने कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन। तो चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, टाइम कैलकुलेट करना है। सिंपल सा रिलेशन है इसका, एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम को इधर ले जाए, फोर्स को नीचे ले जाए। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है 22 न्यूटन और फोर्स इधर आएगी, टाइम इधर चला जाएगा 20 न्यूटन। 22 डिवाइड बाय 20, 1.1 सेकेंड टाइम होगा। न्यूमेरिकल नंबर 9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी? एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका 5 किलोग्राम हमारे पास मास है और मार्बल फ्लोर के साथ उसने क्या करना है, रगड़ की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना है। और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना? 0.6। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज, वुड और मार्बल के दरमियान कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। तो एफ कैलकुलेट करना है हमने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू μmg, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय जी। फार्मूला हमारे पास कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6, एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 न्यूटन। हेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मार्बल फ्लोर एंड द वुड इज 30 न्यूटन। इतने न्यूटन हमारे पास क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। न्यूमेरिकल नंबर 10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना हमने गिवन डाटा में हमारे पास। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम। मैस कितना है? 0.5 किलोग्राम। टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। आर रेडियस कितना है? 50 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 50 सेंटीमीटर
100 तो 0.5 मीटर आ जाएगा हमारे पास रेडियस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड उसकी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा क्लियर हमारे पास फार्मूला है कि एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। एफ सी इज इक्वल टू एम हमारे पास कितना है 0.5, वी 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 0.5, ये दोनों कट गए 3 का स्क्वायर 9। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज 9 न्यूटन। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड ही एक सॉल्व एग्जांपल है 3.8। एक बॉडी हमारे पास 100 ग्राम उसका मास है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें 1000 पे डिवाइड करके, और वो एक स्ट्रिंग के साथ मूव कर रही है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड किस वेलोसिटी के साथ, और सेंटर से उसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 1 मीटर। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन एक्चुअली उसको हम यू रिवॉल्व कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली जो टेंशन होगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो सेंटर से मिल रही होगी। तो वो हमारे पास क्या है एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर, ये फार्मूला लगेगा इसमें। यही जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है यही एक्चुअली उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी। तो टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। एम हमारे पास 0.1 है, रेडियस 1 मीटर है, और वी है 5 का स्क्वायर 25 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2.5 न्यूटन टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2.5 न्यूटन। तो बच्चे चैप्टर नंबर 3 हमारे पास हो गया आज कंप्लीट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज ऑल द टॉपिक्स। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक या न्यू चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।